हाय, आज मैं एप्रन गर्ल आप लोगों के लिए लाई हूँ स्पेशल मसाला चाय की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट, खुशबूदार और हेल्दी होती है ये मसाला चाय। आज की रेसिपी में हम पहले चाय का स्पेशल मसाला बनाएंगे और फिर बनाएंगे मसाला चाय। सबसे पहले प्लीज हमारे चैनल, हमारे पेज को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं चाय के मसाले से। पैन को आंच पर चढ़ाते हैं, थोड़ा गर्म होने पर उसमें डालते हैं एक चम्मच सौंफ, 3/4 चम्मच काली मिर्च के दाने, करीब 15 लौंग, करीब 20 छोटी इलायची, ये 2 दालचीनी की स्टिक्स, टोटल 4-5 इंच लंबी होनी चाहिए। आंच हल्की कर लेते हैं और इन सबको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। अब इसमें डालते हैं 3/4 चम्मच अजवाइन, फिर से थोड़ा सा चलाते हैं। अब डालते हैं 1 चम्मच सूखा हुआ पुदीना, 1 चम्मच गुलाब की सूखी हुई पत्तियां। अब ये नटमेग यानी जायफल लेकर इसे भी घिस कर थोड़ा डाल लेते हैं, 1/4 चम्मच पाउडर के करीब। अब इसमें डालते हैं ये 1.5 चम्मच सौंठ। अब इसको हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। 1 मिनट भूनकर इसमें से हल्की खुशबू आने लग जाती है। पैन को आंच से हटा लेते हैं। अब इसे ठंडा होने पर मिक्सी के जार में डालते हैं। सौंठ, अजवाइन, जायफल, पुदीना, ये सब हमारी चाय में मजेदार फ्लेवर तो देती ही हैं, साथ में हमारी चाय को हेल्दी और डाइजेस्टिव भी बनाती हैं। मिक्सी में इन्हें चलाते हैं और ये हो गया हमारी चाय का स्पेशल मसाला तैयार। जितनी अच्छी खुशबू है इसकी, उतना ही बढ़िया चाय का टेस्ट भी होगा। इसे एक बार बनाकर आराम से स्टोर करके आगे के लिए भी रख सकते हैं। अब चाय की बारी। पैन को आंच पर चढ़ाकर उसमें डालते हैं 2 कप पानी। अब डालते हैं चीनी। इसकी मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। पानी को उबलने देते हैं। जब पानी ठीक से खौल जाए तो इसमें डालते हैं 1/2 कप दूध। एक बार और उबाल आने पर इसमें डालते हैं 2 चम्मच चाय की पत्ती। अब 3-4 मिनट तक इसे हल्की आंच में उबलने देते हैं। चाय को जितना हल्की आंच पर उबलने देंगे, चाय उतनी ही कड़क और टेस्टी बनेगी। चाय को ऐसे चलाते रहना चाहिए, इससे भी इसका स्वाद बढ़ता है। तभी तो चाय के स्टॉल पर आप चाय वाले भैया को अधिकतर चाय उछालते हुए देखेंगे। अब देखा जाए तो नॉर्मल चाय इस पॉइंट पर तैयार है, पर अभी हमें इस चाय को स्पेशल मसाला चाय बनाना है, इसलिए हम इसमें अपना बनाया हुआ चाय का मसाला डालते हैं, 1/2 चम्मच। इसके बाद चाय में एक बार और उबाल आने देते हैं, जिससे मसाले की खुशबू और स्वाद ठीक से चाय में आ जाए। और एक बॉईल के बाद हो गई हमारी मसाला चाय रेडी। इसे छानकर कप में डालिए और तसल्ली से इसे पीजिए। नॉर्मल चाय से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी हमारी मसाला चाय। मसाला चाय की चुस्की में तो मजा है ही, और साथ में अगर 1-2 बिस्किट भी डुबोकर खा लेंगे तो और सोने पे सुहागा। कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। फेसबुक पर पेज लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। एप्रन गर्ल के नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। बाय बाय।